मसाले बनाना बहुत मुश्किल काम नहीं है, और मसालों को समझना तो और भी मुश्किल काम नहीं है। और अगले 5-7 मिनट में ना आप दुनिया की बेस्ट गरम मसाले की रेसिपी भी सीख लेंगे, और साथ ही किसी भी खाने को टेस्ट करके उसमें क्या मसाला पड़ा है और उस मसाले को कैसे बनाना है ये भी समझ लेंगे, गारंटीड। तो नमस्कार, मैं हूं रणवीर ब्रार, और आज हम बनाएंगे गरम मसाला, और उसके लिए आपको चाहिए मसाला ले। Calling and action. तो सबसे पहले ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कि गरम मसाले को गरम मसाला क्यों कहते हैं। देखिए, गरम मसाले को गरम मसाला इसलिए नहीं कहते क्योंकि उसे मसालों को गरम किया जाता है या गरम खाने में डाला जाता है, बल्कि इसलिए कहते हैं कि गरम मसाले में पड़ने वाले मसालों की तासीर गरम होती है, यानी कि गरम मसाले में जो मसाले पड़ते हैं दे टेंड टू हीट योर बॉडी। ये वो मसाले का मिक्स था जो सर्दियों में खाया जाता था गर्मी देने के लिए। बाद में ओवर द ईयर्स ये हो गया कि भाई गरम मसाला मतलब कोई भी मिक्स मसाला जो है उसे गरम मसाला बोल देते हैं, और हर घर का अपना एक गरम मसाला होने लगा। मैं जो बनाने जा रहा हूँ वो आपके तमाम डब्बे वाले गरम मसालों से, के गरम मसाला, कौन सा किंग होता है वो उन सबसे बेहतर है। बॉडी के लिए जो सबसे कॉमन इंग्रेडिएंट है किसी भी मसाले के वो हैं धनिया और जीरा। हर चीज़ को भूनना अलग अलग है, ख़ासतौर जब गरम मसाला बना रहे हो, और ये याद रखिए कि 100% कभी नहीं भूनना, बिकॉज अगर आप मसाले को पूरा भून देंगे तो फिर मिक्सी में जल जाएगा वो। 70-80% भूनिए, सुखा लीजिए, फिर मिक्सी में डालिए। ये हो गया। अभी जो है मैं 2 किस्म का जीरा यूज करूंगा, ठीक है, एक सफेद जीरा और एक काला जीरा। काले जीरे को शाही जीरा भी कहा जाता है। एक्चुअली शाही जीरा जो है वो मिसनोमर है, काले को उर्दू में स्याह बोलते हैं, तो स्याह जीरा से बना स्याही जीरा और उससे बन गया शाही जीरा। शाही कुछ नहीं है काले जीरे में, सिर्फ स्याही है। तो अभी दोनों जीरे को एक साथ भून लिया मैंने, ठीक है, लगभग 3 भाग सफ़ेद जीरा, 1 भाग शाही जीरा। तो यहाँ पर सफ़ेद जीरे से आ रही है बॉडी, लेकिन शाही जीरे से बॉडी भी आ रही है और साथ में फूलों की खुशबू भी आ रही है, स्लाइटली फ्लोरल। तो ये तो यूँ कह लीजिए मसाले का बेस रेडी हो गया। अब इसके ऊपर मसाले को बिल्डअप करना है, तो अब बारी है खुशबू के मसालों की। और जैसे मैंने बोला, खुशबू 2 किस्म की होती है, एक होती है सौंधी और एक होती है एरोमेटिक, फूलों की और फलों की खुशबू, फ्लोरल एंड फ्रूटी स्मेल्स एंड अर्दी स्मेल्स। तो सौंधी खुशबू, फूलों की फलों की खुशबू, इन दोनों को मिक्स करके अपने खुशबू वाले मसाले बनाने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सौंधी खुशबू वाले मसाले, जिसमें ये गई बड़ी इलायची, काली मिर्च और थोड़ी दालचीनी, ठीक है। अगर पत्थर का फूल है, स्टोन फ्लावर कहते हैं, अगर वो है तो आपको बड़ी इलायची डालने की ज़रूरत नहीं है, छोटी इलायची से काम चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमको सौंधेपन और स्मोकीनेस के लिए, क्योंकि पत्थर का फूल नहीं है तो इसलिए मैं बड़ी इलायची का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो ये हो गए सौंधे मसाले प्लेट के एक तरफ, और दूसरी तरफ डालेंगे खुशबू के मसाले। खुशबू के मसालों में छोटी इलायची, ठीक है, लौंग, चक्रीफूल और साथ में जावित्री, ठीक है, और इसे हम कैसे भूल गए, तेजपत्ता। तेजपत्ता भी सौंधेपन के लिए, ठीक है। तो ये प्लेट में देख लीजिए, एक तरफ खुशबू के मसाले और एक तरफ सौंधे मसाले, और अब मिर्च। मिर्च जो है मैं ये वाली डालूंगा, बेड़गी मिर्च जो है वो मेरी मिर्च है, मैं हमेशा और सिर्फ बेड़गी यूज़ करता हूँ क्योंकि बेड़गी में खुशबू होती है और इसमें रंग होता है, लेकिन स्पाइसीनेस ज़्यादा नहीं होती। मिर्च ऑप्शनल है, मैं अपने गरम मसाले में थोड़ी मिर्च डालता हूँ रंग के लिए, अगर आप नहीं डालना चाहें तो मत डालिए,
क्लासिकली गरम मसाले में मिर्च नहीं पड़ती, ऑप्शनल है लेकिन मैं डालता हूँ। मिर्च में अगर आपको स्पाइसी नहीं चाहिए तो बीज निकाल दीजिए, जैसे मैं अभी बीज निकाल रहा हूँ। और अब गए बाकी के मसाले। भूनते समय थोड़ा सा नमक डाल रहा हूँ मैं, इससे मसालों की जो खुशबू है वो बनी रहती है पिसने के बाद। एसेंशियल ऑयल्स यानी कि मसालों का जो फ्लेवर है ना, वो सारा का सारा तेल के रूप में रहता है। मतलब हर मसाले के अंदर कुछ एसेंशियल ऑयल्स होते हैं जिसमें कि उनकी खुशबू रहती है। इसलिए तड़का लगाया था, तेल में लगाया था ना, उससे क्या होता है कि मसाले की खुशबू जो है वो तेल जो है तेल में मिक्स हो जाता है। एसेंशियल ऑयल्स का मतलब ये है, कुल मिला के याद रखिए कि मसाले को ना ज़्यादा गर्म करें ना बहुत देर तक पीसें, वरना गर्मी से जो है वो सारे एसेंशियल ऑयल उड़ जाएंगे, आपके हाथ में रह जाएगी मसाले के नाम पर मिट्टी, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था तापमान का ध्यान रखें। अब मसाले भुन गए 70% भुनने के बाद ठंडा करके फिर मिक्सी में घुमाना है, ऐसे गरम गरम निकाल के मिक्सी में नहीं घुमाना वरना बहुत गरम हो जाएंगे और जायका चला जाएगा। और जब तक मसाले ठंडे हो रहे हैं कुछ मसालों की बातें कर लेते हैं। चलिए, अगर स्पाइसेस नहीं होते और स्पाइसेस की वो वैल्यू नहीं होती दुनिया की नज़रों में, तो दुनिया का नक्शा बिल्कुल अलग होता, इतिहास बिल्कुल अलग होता। क्योंकि ब्लैक पेपर की कीमत ना शुरू से ही रोमन टाइम से ही गोल्ड से ज़्यादा रही है, और उसी ब्लैक पेपर को ढूंढने के लिए अरब्स हिंदुस्तान आए, हिंदुस्तान को ढूंढने के लिए क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका ढूंढ लिया, उन्हीं स्पाइसेस के लिए हम एक कॉलोनी बने, उन्हीं स्पाइसेस के लिए लोग साम दाम दंड भेद के साथ एक दूसरे के साथ ट्रेड करते रहे, उन्हीं स्पाइसेस को उगाने के लिए काफ़ी हद तक अफ्रीका का नक्शा जो है वो वैसा है जैसा आज है। तो कहने को ये सिर्फ स्पाइसेस हैं, लेकिन अगर ये स्पाइसेस नहीं होते ना तो ये दुनिया, इसके ट्रेड रूट्स, इसका इतिहास बिल्कुल अलग होता। That is how powerful spices. Nice. अच्छा एक चीज और कि अगर आप गर्मियों में बना रहे हैं ना गरम मसाला, तो फिर इसमें इतने मसाले में आधा चम्मच सौंफ डाल दें, और अगर आप सर्दियों में बना रहे हैं तो आधा जायफल डाल दें। क्या जायफल जो है वो शरीर को गर्मी देता है, सौंफ शरीर को ठंडक देती है। तो मौसम को बैलेंस करने के लिए इसका इस्तेमाल करें। बाकी मोटा मोटी गरम मसाले की रेसिपी यही है, और इसके आगे सारे गरम मसाले फेल भी। डन। देखो जी, माता जी आज खुश हो जाएंगी कि गोल्डी ने उनके लिए गरम मसाला बना दिया। लुक एट द कलर, ये रंग जो है ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए मैं थोड़ी मिर्च डालता हूँ। नहीं डालनी तो मत डालिए। और याद रखिए, खुशबू के मसाले जो है ना वो कोई भी डाल सकते हैं आप, मतलब गुलाब भी डाल सकते हैं खुशबू के लिए, इलायची डाल ही रहे हैं, जायफल जावित्री डाल सकते हैं, कुछ लोग आज भी खस की जड़ डालते हैं, पान की जड़ डालते हैं सौंधेपन के लिए। तो द आर्ट ऑफ मसाला ब्लेंडिंग इज प्योरली अंडरस्टैंडिंग दीज थ्री कैटेगरी ऑफ स्पाइसेस एंड हाउ टू लेयर देम, बॉडी, सौंधापन एंड अरोमा। दैट्स ऑल दैट इट टेक्स टू मेक अ गुड मसाला। और ये गरम मसाला अगर आपके पास समय है तो बनाइएगा जरूर, क्योंकि कमाल है जी।